हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल पे स्वागत है। दोस्तों आज मैं बताने वाला हूँ कैसे भगवान एक ब्राह्मण का घर छोड़ के कसाई के घर में रहने आ जाते हैं। दोस्तों एक गांव में एक कसाई रहता था जो हर पल हर वक्त भगवान का नाम गुनगुनाते रहता था। ऐसे कि जब भी वो मीट मछली कटिंग करता था तब भी वो भगवान का नाम गुनगुनाते रहता था। दोस्तों ये देखकर आदमी सोचते थे, भाई कैसा कसाई है, भगवान का नाम भी लेता है और मीट मछली भी कटिंग करता है। दोस्तों एक बार वो कसाई रास्ते पे कहीं जा रहा था तभी उसका पैर में एक पत्थर टकराता है। उस पत्थर को कसाई मांस तोलने के लिए अपना दुकान लेके आ जाता है और दूसरे दिन से कसाई वो पत्थर को मांस तोलने का काम में लगा देता है। दोस्तों अगर किसी को एक किलो का मांस बेचना होता था तो कसाई वो पत्थर को तराजू के दूसरे साइड रखने पे वो एक किलो का ही बन जाता था। अगर किसी को दो किलो का मांस देना होता था तो तराजू के दूसरे साइड पत्थर को रखने के वो दो किलो का ही मांस तोलता था। दोस्तों कुछ दिन के बाद कसाई को भी पता चल गया कि ये कोई साधारण पत्थर नहीं है, ये कोई चमत्कारी पत्थर है। दोस्तों कसाई के चमत्कारी पत्थर को देखने के लिए दूर दूर से आदमी कसाई के दुकान में आने लगे और वहाँ पर भीड़ होने लगा, जिसके चलते कसाई का सेलिंग भी पहले से कई गुना बढ़ जाता है। दोस्तों उस गांव के ब्राह्मण को जब कसाई के पत्थर का चमत्कार के बारे में पता चला तो उसको देखने के लिए वो कसाई के दुकान में आता है। जब ब्राह्मण वो पत्थर को अपने आँखों में देखता है तब वो समझ जाता है कि ये कोई साधारण पत्थर नहीं है बल्कि ये श्री शालिग्राम जी है। तो बातों ही बात में ब्राह्मण कसाई को बताता है कि तू जिसको मांस तोलने का काम में लगा रहा है ये कोई साधारण पत्थर नहीं है बल्कि ये श्री शालिग्राम जी है जो भगवान का अवतार होता है। तू स्वयं श्री शालिग्राम जी को मांस तोलने का काम में लगा के बहुत बड़ा पाप कर रहा है। कसाई ब्राह्मण के बात सुन के मन ही मन सोचता है, अनजाने में सही मैं तो सही में पाप कर रहा हूँ। तब कसाई ब्राह्मण को हाथ पर जोड़ के बोलता है, हे ब्राह्मण देवता, आप तो पूजा अर्चना सब जानते हो, आप ही ये पत्थर को ले जाके अपना घर में पूजा अर्चना करो। तब ब्राह्मण पत्थर को ले जाकर अपना घर में पूजा अर्चना करना चालू कर देता है। दोस्तों कुछ दिन के बाद भगवान ब्राह्मण के सपने में आके बोलती है, हे ब्राह्मण, तेरे पूजा अर्चना में मैं बहुत खुश हूँ, बाकी मैं तो कसाई के पास रहना चाहता हूँ। भले ही कसाई तेरे जैसे पूजा अर्चना नहीं करता है फिर भी वो हर पल हर वक्त मेरे नाम गुनगुनाते रहता है जो कि मेरे को बहुत अच्छा लगता है। उसी के लिए तो मैं उसके पास गया था। मैं चाहता हूँ कि तू मेरे को कल उसके पास छोड़ के आ जाना। दोस्तों दूसरे दिन ब्राह्मण पत्थर ले जाकर कसाई को देता है और पूरे बात बताता है। ब्राह्मण की बात सुनकर कसाई के आंखों में आंसू आ जाते हैं और कसाई मन ही मन मीट मछली कटिंग करने का काम को छोड़ने का निश्चय करता है और ये भी सोचता है कि अगर मेरे प्रभु को नाम कीर्तन अच्छा लगता है तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा वक्त नाम कीर्तन ही करूँगा। दोस्तों वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट्स में जरूर बताना। और दोस्तों आखिर में एक रिक्वेस्ट है, अगर कोई गलती हुआ है तो माफ़ करना और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।